ये देखो जी, बैटरी डाउन पर ग्लम, बैटरी डाउन अनकी नहीं है, अनकी भी डाउन, अनकी भी डाउन बस हम और हमारे टावर बट कोवर है वो ना, यहाँ का बट कोवर की कोशिश हुआ है। हम तो नीचे बिठाई किया, टिकट बिठाया गया तो जी हम लोग यहाँ पहुँच गए थे दोपहर में 3 बजे के लगभग। तो ये देखो भाई, अचानक से कैसा संयोग बना है, हम तैयार हो गए। हाँ जी रुकिए भाई, हाँ जी रेनू, मैं और शिवांश, ठीक है, और इनसे आगे हो गए अर्जुन जी, नैनी नैनी सीर हो गई है आपका मामा घर बीकानेर मम्मी का, और वो चारों आगे हैं प्रतीक जी रो। तो चलो चलते हैं आज मंदिर में शाम के टाइम में। वाह भाई वाह, क्या मजा आया है शिवांश। अच्छा इधर से भी रास्ता हो गया, ये देखो क्या मजा आ गया आगे। तो जी देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर इस घाट पर, इसको गोमती घाट बोलते हैं शायद तक, हाँ गोमती घाट ये। तो यहाँ हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पर वो होता है ना कि पैर एक बार धोते हैं सब लोग, और उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं द्वारकाधीश के मंदिर में। द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है ना, उसकी ध्वजा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है। और ये देखिए 40 फीट की ये ध्वजा होती है, और इसको देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये वाली कंडीशन हो जाती है इसको देखते हैं ना, जब ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था तो मैंने दूध लेके चलो ना, जब आई नु मारण खातर। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की, सुबह की चाय के साथ में जय श्री कृष्ण। और ये है हमारी ट्रिप का नेक्स्ट डे, मतलब कल हम लोग आए थे और अगले दिन का ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 5:30 बज गया ना, 6 बज रहे हैं, 5:30 आज का तो बज गया 6 सुबह के बजे हैं 6,
और 6 बजे मैंने सोचा चलो नया ब्लॉग शुरू करते हैं, हम लोग जाने वाले हैं। ये बापू देखो, ये अपने बिस्किट हाथ में लेके घूम रहा है और इनकी चाय ठंडी हो रही है वहाँ पे। ये जो बहन जी है, इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक ऐसी लड़की है, क्या बताऊँ, कि इसको बोतल धोने के लिए छत पे जाना पड़ता है क्योंकि वॉशरूम के पास नल से ये बोतल नहीं धोती। ठीक है, ये छत पे बोतल धो के लेके आई है। ये इनके एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नहीं, मन यूँ लगा कि पानी में अंतर नहीं है पर जगह में अंतर है। हाँ ठीक है ठीक है, बात तो सही है। पानी तो टॉयलेट की टूटी में भी वही आ है ना, लेकिन आप हम बर्तन नहीं धो है ना। राइट राइट। तो जी मैंने सोचा चलो घर से क्या, इधर रूम से ही ब्लॉग स्टार्ट करें। हम लोगों ने ये रूम लिया था, देखो इसमें वहाँ तक बेड लगे हुए हैं, 10 बेड का रूम है। हम लोग 7 हैं, 7 में 4 बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बेड लगे हुए हैं और बहुत सुकून के साथ में हम लोग चाहिए क्या झंडी बाहर अभी तक वहाँ तक गेट के पास कैंपर के पास। मम्मी धमकी तोड़ आ गया बोतल। तो जी हम लोग उठ गए थे आज सुबह 3:15 बजे के लगभग, मैं मम्मी आरती और फटाफट से नाना दोनों शुरू कर दिया था क्योंकि आज हम जाने वाले हैं भेंट द्वारिका। और वहाँ जाने के लिए सुबह 6 बजे के लगभग ना ऑटो किया है हमने, ऑटो आने वाला है क्योंकि गाड़ी जो होती है ना उसमें ना परेशान हो जाता है, वोमिट वगैरह होती है। गाड़ी जो होता है ना, कई लोग होते हैं जिनको गाड़ी में थोड़ा सा कम्फर्ट सा फील नहीं होता, तो उनमें से मेरी फैमिली है, तो इसीलिए हमने सोचा चलो ऑटो कर लेते हैं। और ऑटो वाले भैया जो थे ना वो काफ़ी मिलनसार भी निकले थे, जैसे ननी के पापा और अर्जुन इन सब की ना उनसे बातें हुई ना, तो इन्होंने बस उन्हीं को फिक्स कर दिया कि जो भी हम लोग घूमेंगे ना वो वहीं पर मतलब वही साथ जाएंगे हमारे साथ। तो जी बीच में हो गया था बहन भाइयों की तू तू, मैं ऐसे ही होती रहती है, बहन भाई कभी नहीं सुधर सकते, छोटे बड़े सारे झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब बस हम निकलेंगे यहाँ से, ऑटो वाले भैया आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं भेंट द्वारिका, आएंगे वो थोड़ी देर में। तो हम लोग आ जाएंगे भेंट द्वारिका और यहाँ पर ना गर्मी इतनी है, मतलब पसीना सूखता नहीं है। कल कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग है ना ध्यान रखना, गर्मी बहुत भयंकर है वहाँ। गर्मी तो है ही, लेकिन ध्यान भी रखे तो इंसान क्या रखे, अब गर्मी तो है ही है ना। कूलर वगैरह पंखा वगैरह पूरे साइड में फिट करके चलना पड़े।